हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी जिसका टाइटल था स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑन साइक्लोहेक्सेनोन सिस्टम्स। तो आपने से मुझे कईयों ने बोला कि मैम उससे रिलेटेड मुझे हमें एग्जांपल्स थोड़े से बता दो आप, या क्वेश्चन दे दो जो हम सोल्व करके चेक कर सके कि हमें कंसेप्ट कितनी क्लैरिटी हुई है कितनी नहीं। तो इस वाली वीडियो में बस मैं आपको क्वेश्चन से करवाने वाली हूँ जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। अब देखो आपकी हेल्प के लिए मैंने क्या किया है, सब्स्ट्रेट हमें मेंशन कर दिया है, रिएजेंट लिख दिया है, प्रोडक्ट नहीं लिख दिया है, बट इसका मैकेनिज्म मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि कल वाले वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है किस तरह से हम देखते हैं एक्चुअल अटैक इक्विटोरियल अटैक। तो वो सब अपने खुद से करेंगे, अपना आराम से जो मैकेनिज्म है वो लिखेंगे खुद से, और बाकी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है ताकि आप अपने आंसर्स को अच्छे से मैच कर पाओ। ठीक है, मैंने दोबारा से क्रॉस चेक किया है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं है, प्रोडक्ट मैंने सही लिखे हैं। तो एक बार देख लेना प्रोडक्ट यही होंगे, बस आपको मैकेनिज्म इसका अच्छे से लिख के पूरा यहाँ तक आना है, प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं लगाना है, कोई भी आप ऐसे स्टेरिक इंटरेस्ट नहीं देख सकते कभी भी कि यहाँ से ये वाला बल्कि है तो ऊपर से आ जाएगा, क्योंकि कई बार इससे मिस्टेक क्या होती है, हम अगर ये क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं साइक्लोहेक्सेनोन सिस्टम ही है तो हमें लगता है ये वाला बल्कि ग्रुप है तो नीचे से अटैक नहीं करेगा ऊपर से अटैक करेगा, तो हम क्या करेंगे एच को ऊपर से लगा देंगे, बट यहाँ पे देखो एच जो है बिलो द प्लेन आया है ना, तो ऐसे देख के इसमें कभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करने चाहिए। इनके लिए मैंने आपको मैकेनिज्म बताया है, इसको प्रॉपर आप ड्रॉ करोगे चेयर फॉर्म में, उसके बाद देखोगे स्टेरिक इंटरेस्ट, आपको स्टेरिक इंटरेस्ट सिर्फ एक ही देखनी है, वो कौन सी 1-3 डायरेक्शन इंटरेक्शन, बस यहाँ पे 1-3 डायरेक्शन इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर इंटरेक्शन नहीं है तो डायरेक्टली आप क्या करोगे उसको एक्शन से अटैक करवाओगे, अगर इंटरेक्शन है तो फिर आपके पास चाहे रिएजेंट कैसा भी हो, चाहे बल्कि हो चाहे लेस बल्कि कैसा भी हो, आप इक्विटोरियल पोजिशन से ये अटैक कराओगे। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन में भी इन्हीं बातों पर ध्यान रखना है सोल्व करते टाइम कि बस 1-3 डायरेक्शन इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए, बाकी हम अपना एक्शन से अटैक करवाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको मैकेनिज्म तो करके दिखाऊंगी बट थोड़ा सा बता देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ किस तरह से आपको सोल्व करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, आप ही तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन को ड्रॉ करोगे चेयर फॉर्म में, उसके बाद देखो ये 1-2-3 थर्ड पोजिशन पे है ये, तो इसकी 1-3 इंटरेक्शन जो है वो ज्यादा होगी यहाँ पे जो ओ एम ई, अगर देखो हाँ एक और बार जिसको ज्यादा आइडिया नहीं है वो एक ही ध्यान रखो कि जो चेयर फॉर्म होती है जब उसमें हम कन्वर्ट करते हैं जो ऑलरेडी अब मतलब ये बैच से दिखाए होते हैं, जो इसमें जो यहाँ पे वेज से है वो यहाँ पे क्या होते हैं अप, और जहाँ पे डैश से है वो क्या होते हैं डाउन। तो आपको अप डाउन का ध्यान रखना है, सपोज आपने साइक्लोहेक्सेनोन कुछ इस तरह का बनाया है, यहाँ पे लगाया है ये, उसके बाद 1-2-3 इस वाली कार्बन पे आपको लगाना है, तो ये एक्शन का बॉन्ड होता है ये इक्विटोरियल का, तो एक्शन पे आप कौन सा ग्रुप लगाओगे जो ये वेज से लगाया हुआ है, तो ओ एम ऊपर लगाओगे और नीचे लगाओगे फिर अपना ये CH2 जो भी पूरा डायरेक्ट ग्रुप यहाँ पे लगा दोगे। अब आपको अटैक करवाना है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, चाहे आप इसमें एल्स इलेक्ट्राइड डालो या फिर LiAlH4 डालो, कोई भी रीजन डालो आपका प्रोडक्ट यही आना है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखो ये 1-2-3 थर्ड पोजिशन पे ग्रुप लगा हुआ है, मैंने आपको बोला यहाँ पे क्या होते हैं 1-3 डायरेक्शन इंटरेक्शन, तो ग्रुप चाहे लेस बल्कि रिएजेंट हो चाहे ये बल्कि रिएजेंट हो ऊपर से नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा इक्विटोरियल पोजिशन से, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करके यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे देखो 1-2-3, अब जो ये वाले जो बॉन्ड्स हैं अगर आप उनको ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, एक बॉन्ड तो जाएगा ही जाएगा एक्चुअल पोजीशन पे, मतलब स्टेरिक इंटरेस्ट तो आनी ही है। सपोज ये मैंने बनाया साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे मैंने लगा दिया कार्बोनिल ग्रुप 1-2-3 थर्ड पोजिशन में मुझे ये लगाना है, तो मैं क्या करूंगी 6 मेंबर रिंग बनानी है, तो मेरा एक बॉन्ड ऊपर जाएगा और एक इक्विटोरियल पे आएगा, है ना। अब मैं इसका एक 6 मेंबर रिंग बना दूंगी इस तरह से, सपोज मैंने ऐसे बनाई, आपको पूरा बना के देखने की नीड भी नहीं है, बट आपको ध्यान ये रखना है कि उसका एक बॉन्ड ऊपर की साइड जाएगा और एक बॉन्ड नीचे आएगा, तो अगर ऊपर आएगा तो वो क्या है CH2 ग्रुप तो लगेगा ही लगेगा, और CH2 की वजह से क्या होगी स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब कोई भी रिएजेंट ऊपर से अटैक नहीं कर सकता, ठीक है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। और यहाँ पर देखो हाँ एक और बात बतानी है मुझे आपको कि एक है LiAlH4 और हमने देखा गया LiAlH, यहाँ पे क्या लगा है टर्शियरी ब्यूटाइल लगा दिया, और क्या करें यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल लगा दिया, तो अब क्या हुआ यहाँ पे बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ के 3H को रिप्लेस करके टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड लग चुका है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे क्या है ये वाला ग्रुप क्या है कंपैरेटिवली बल्कि है उससे, अगर सिंपल भी आपको एग्जांपल देखें वहां पर भी क्या होगा, अगर इसको अटैक करवाना हो तो ये बल्कि ग्रुप है, आप इसको एग्जैक्टली कंसीडर करोगे एस इलेक्ट्रोलाइट की जैसे बल्कि ग्रुप, क्योंकि 3H रिप्लेस होकर क्या कर चुके हैं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बन चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा ये हमेशा इक्विटोरियल से ही अटैक करेगा, और यहाँ तो अगर मैं LiAlH4 भी डालती इसकी जगह पे तो भी मेरा प्रोडक्ट इक्विटोरियल से ही अटैक करने वाला था, मेजर प्रोडक्ट होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1-3 डायरेक्शन इंटरेक्शन, ये वाला क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखो अब मैंने कल आपको एग्जाम्पल करवाया था जिसमें मैंने दोनों ही कल की 6 मेंबर रिंग, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है,
डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे एक रिंग जो है 5 मेंबर है, हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे, एक्जैक्टली वैसे ही सोल्व होगा जैसे हमने कल किया था, क्योंकि हम आप क्या करेंगे यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ सपोज किसी भी तरह से बना दो 5 मेंबर रिंग, कोई इफेक्ट नहीं आना, और यहाँ पे लगाया एच और नीचे तरह लगा दिया एच की अप बैच डैश डाउन, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमारा कार्बोनिल ग्रुप है तो 1, 2, 3 इंटरेक्शन इसके साथ है, और 1, 2, 3 इस वाले एच के साथ है, तो एच की मैंने आपको बताया था बल्कि नहीं है, अगर रिएजेंट लेस बल्कि होगा तो ऊपर से ही आएगा, हमेशा ऊपर से ही अटैक करेगा, एक्चुअल वाला क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर रिंग चाहे कोई भी हो आपको, मतलब सिर्फ इस वाली पोजिशन से है, इस वाली से और इस वाली से, जैसे कल हमने 6 मेंबर रिंग ली थी, इस वाली 6 और 5 है, बट आंसर विल रिमेन सेम। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल सिंपल है, आपको देखनी तो इसी की पोजिशन है। ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया था कि एक बार आप ना ऑप्शंस चेक करोगे सारे सारे, जैसे सपोज करो यहाँ पे इसकी स्टीरियो मेंशन नहीं की, सिंपल प्लेन में दिखाया बस सीएसटी, बट जो प्रोडक्ट है उसमें अबव द प्लेन दिखाया है, तो आप क्या करोगे, आपको ये कंसीडर करना है कि स्टार्टिंग में भी अबव द प्लेन ही होगा, तो आप क्या करोगे जब साइक्लोहेक्सेन बनाओगे यहाँ पर, तो सेकंड पोजिशन जो लगाओगे सीएसटी उसको वेज मान के ऊपर से ही लगाओगे, यहाँ पर ये लगेगा ये, और जो नाइट्रोजन है यहाँ पे, ये वाला एग्जांपल मैंने यहाँ पे कार्बन को रिप्लेस करके एनसीएच3 लगा दिया है। उसका रीजन है एक, वो ये कि यहाँ पे देखो एक है सीएच3 और एक इसके पास लोन पेयर है ना, तो सीएच3 जो है ज्यादा बल्कि है, इसलिए आप ड्रॉ करोगे, देखो ड्रॉ करने से इस आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट कंसेप्चुअली अगर देखे हम तो ड्रॉ करते टाइम आप ये करोगे उसको रखोगे सीएच3 पे और लोन पेयर को रखोगे यहाँ पे एडिशनल पोजिशन पे, उसके बाद क्या करेंगे एनसीएच4 है बल्कि तो नहीं है, तो कहां से आएगा एक्चुअल पोजिशन से, क्योंकि बल्कि इंट्रैक्शन नहीं है, इसलिए जाएगा आपका प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखो सेकंड पोजीशन पे ये है, थर्ड पे ये है, अब ये क्या है वेज पोजीशन से ड्रॉइंग है इसकी, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे इसको, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें दो कंसेप्ट चेक होंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे लेट्स से मैंने ये वाला कार्बोनिल लगा दिया, एक और बात जो एल्स इलेक्ट्राइड है वो कार्बोनिल को चेंज करता है OH में, बट ये वाला ग्रुप क्या है CONH, मतलब ये क्या है अमाइड को चेंज नहीं करता है, तो इस वाले ग्रुप पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ कार्बोनिल को चेंज करेगा OH में। अब हम ड्रॉइंग देखते हैं किस तरह से होगी, ये है 1 पोजीशन 2 और 3, 2, 3 पे वाला लगा हुआ है, वो किस पे वेज पोजीशन में, वेज मतलब अपसाइड, तो यहाँ पर क्या है ये एडिशन, ये इक्विटोरियल, ये एडिशन, ये इक्विटोरियल, तो जो दोनों अप वाले हैं उन पे आप लगाओगे, यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे है N, और यहाँ पे आपको लगा हुआ है कार्बोनिल, आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि कितना ज्यादा बल्की हो चुका है यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे, तो ऊपर से आ ही नहीं सकता एल्स इलेक्ट्राइड, वैसे भी अगर यहाँ पे एल्स इलेक्ट्राइड है जो कि बल्की है, अगर यहाँ पे AlCl4 या NaBH4 भी होते तो भी ऊपर से नहीं आ सकते थे, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे देखो ये ऊपर की साइड की बड़ी रिंग लगी हुई, तो हमेशा क्या होगा अटैक कहां से होगा इक्विटोरियल पोजिशन से, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, बट हाँ आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा इससे आप जब करोगे तो। नेक्स्ट स्टेप पे देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, एसिटिक एनहाइड्राइड और पिरिडीन, मैं आपको पहले भी एक वीडियो में ऐसा एग्जांपल करवा चुकी हूँ जिसमें क्या मैंने आपको बताया था ये रीजन किस लिए है, पिरिडीन क्या करेगा जो एसिटिक एच है उसको निकाल लेगा, उसके बाद क्या होगा एसिटाइलेशन, और एसिटाइलेशन किसका होता है अमीन वाले ग्रुप का NH का, एच को हटा के OCOCH3 लग जाएगा, या फिर जो OH है वहां पे एच को हटा के COCH3 लग जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है दोनों ग्रुप्स है, OH भी है और NH भी है, तो यहाँ पे कंसेप्ट ये चेक करने वाला है एग्जामिनर कि आप इसका एसिटाइलेशन कराओगे या इसका एसिटाइलेशन कराओगे, अगर आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री लगा के ये बना भी दिया तो सेकंड स्टेप में आपको ये भी ऐड करा हुआ है, आपको एसिटाइलेशन कराना OH का कराओगे या NH का, वो है इसका मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब आप ध्यान रखो जो एसिडिक एनहाइड्राइड होता है वो इस तरह का है, फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा पिरिडीन है तो बेस है, वो क्या करेगा एसिडिक प्रोटोन को निकाल लेगा, सपोज दोनों के निकाल लिए, उस पर यहां पर आ गया माइनस चार्ज, यहां पर भी आ गया माइनस चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ये वाला बोर्ड हो गया एसिडिक एनहाइड्राइड नेगेटिव, इधर आया पॉजिटिव, तो जो ये लोन पेयर्स है वो अटैक करते हैं यहां पर, नेक्स्ट स्टेप में ये निकलता है वापस से कार्बोनिल बन जाता है, बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो लोन पेयर्स है या नेगेटिव चार्ज है वो क्या है लोकलाइज्ड एक ही पोजीशन पर है, जबकि जो यहाँ वाले नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर्स है वो कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं इसके साथ, और कॉन्जुगेशन में जाने की वजह से वो इजिली अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए NH का एसिटाइलेशन नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर हमारा बन जाएगा OAC, ठीक है OH ग्रुप का हो जाएगा एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन के दो कंडीशन है या फिर एक ही कंडीशन देखोगे, जो लोन पेयर्स है वो लोकलाइज रहने चाहिए, वो किसी तरह कॉन्जुगेशन में नहीं जाने चाहिए, इसलिए क्या होगा इसका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे
OH फर्स्ट स्टेप से और सेकेंड स्टेप से एसिटाइलेशन। ये वाला एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको बताया था CH3 क्या है, बल्की ग्रुप। तो यहाँ पे चाहे HB लगे हुए हैं फिर भी अगर CH3 यहाँ से आएगा तो CH3 यहाँ पे आ जाएगा, 1-3 इंटरेक्शन क्रिएट करेगा, तो कभी भी ऊपर से अटैक नहीं होगा, हमेशा इक्विटोरियल अटैक होगा। तो इक्विटोरियल ही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जब मैं आपको रिनार्ड रिएजेंट पढ़ा रही थी या फिर गिल्मर रिएजेंट मैंने करवाया था, तो आपको बताया था इस वाले सिस्टम को किस तरह से देखते हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा आप देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी रिएजेंट की प्लेलिस्ट का, वहां से जाके देख सकते हो। तो ये इजी है, यहाँ पे कैविटी होती है, इसमें जो ग्रुप आना है, जो भी इनकमिंग ग्रुप होगा क्या करेगा, वो जो भी यहाँ पे मेंशन करी हुई है, देखो ये दोनों डैश पोजीशन पे है, तो मतलब क्या हुआ, ये ऊपर की साइड है बुक, मतलब इस तरह से खुली हुई है। इस पर दिखाती हूँ आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था एग्जाम्पल में, वो बुक इस तरह से सपोज हो रही है, इस तरह से है, ठीक है। अब अगर ग्रुप ऊपर साइड लगे हुए ऐसे है, ऐसे है, तो मैंने आपको बोला था नीचे की साइड क्या होती है, कैविटी होती है। तो कोई भी ग्रुप अगर नीचे की साइड ये होता है और ऊपर मेंशन किया हुए दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ऊपर चाहे जितने मर्जी बल्कि ग्रुप लगे हो, कोई भी अटैक अगर होना है तो ऊपर से ही होगा। क्यों? क्योंकि नीचे की साइड क्या है, कैविटी। इस बार ये देखो जो ग्रुप मेंशन किया है वो डैश पोजिशन पे है, मतलब ग्रुप नीचे की साइड लगे हुए, तो इसका मतलब ये बुक ना इस तरह से है। अगर आप दोनों रिंग्स को ये वाला कंसिडर करो, तो इस बार ये इस तरह से है ऐसे, और जो ग्रुप्स है वो नीचे की साइड लगे हुए, ठीक है। अब कैविटी कहां पर होगी, ऊपर की साइड, तो ग्रुप कोई भी यहां से एंटर नहीं करेगा, हमेशा नीचे से एंटर करेगा। जिस भी साइड कैविटी होगी वहां पर अटैक नहीं होगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो इस वाली कैविटी कहां है, ऊपर की साइड, तो अटैक क्या होगा, ऊपर की साइड नहीं होगा, नीचे से अटैक होगा। जहां पर इस चीज को मेंशन करी हुई है यहाँ पे, उसी पे अटैक होना है। तो यहां से क्या आएगा, H-, तो आप डायरेक्टली देख लो जो H- हो क्या करेगा, इसी पोजिशन से अटैच क्या होगा, नीचे से ही आएगा, ऊपर साइड क्या है, कैविटी। ये वाला क्वेश्चन मैंने सबको कल भी करवाया है, आप कर लोगे इजीली यहाँ पर, और ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, बस आपको देखना है क्या होता है। CH3- बल्कि ग्रुप है, अटैक कहां से करेगा, इक्विटोरियल पोजीशन से। अगर ये डेकाइल सिस्टम भी होता है तो वहां पे भी हम देखते हैं सिर्फ 1-3 डायरेक्शन इंटरेक्शन, और अपना कंसेप्ट जो होता है सेम रहता है। आई होप आप ये क्वेश्चन सारे कर लोगे, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए।